सबसे पहले हमारे मंसूर और उनकी टीम का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट पीरियड के अंदर मैंने उनको कहा कि हमारे आपके चाहते लीडर जनाब सिद्धरामैया साहब का जो जन्मदिन के सिलसिले को लेकर एक आपसे दावतनामा देने के लिए जो जिम्मेदार हजरात है उनको एक 10-15 आदमी या 150 तक आदमी को जमा करो करके मैंने मंसूर को बेंगलोर से फ़ोन करके गुजारिश किया था। तो मंसूर और उनकी ऊपर तमाम हमारी कांग्रेस की टीम जैसा कि माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जितने भी कांग्रेस की टीम मंसूर के साथ रह के इतने बड़े पैमाने में आपकी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं टॉपिक से जाने से पहले अभी मौलाना मंसूर साहब ने बात किया था और मौलाना सलीम साहब और नज़ीर साहब की भी बात आप लोगों ने सुनी होगी। मंसूर साहब की बात के अंदर थोड़ा दम है, ताकत है, ताकत और दम है, हकीकत है, हकीकत भी है इसके अंदर। मगर हम लोग में क्या है, हम लोग नेक होते एक नहीं होते, नेक होते हम लोग एक नहीं होते, आपस में लड़के आपस में करके हम लोग वीक हो रहे। जब तक हम हिंदुस्तान के अंदर एक प्लेटफॉर्म में एक अगर नहीं होंगे तो ये हम लोग ऐसे तकलीफों को भुगतना पड़ता है। उसके लिए हम लोग एक होना ज़रूरी है। जैसे हमारे एक और एक हमारे साहब ने क्या था तारी साहब ने, हम 70 साल से कांग्रेस के साथ है, अगर कांग्रेस ऐसी हमारे साथ रहेगी तो आइंदा भी हम कांग्रेस के साथ रहते। जैसा मौलाना सलीम साहब भी एक बात बताए, मैं जब से भी होश संभाल हूँ, जब से वोट डालने का मौका मिला मेरे को तो मैं कांग्रेस को ही वोट दिया हूँ, कांग्रेस को छोड़ के किसको वोट नहीं दिया है। आज के हालात को देख के हमको थोड़ा ये लग रहा है करके मौलाना सलीम साहब भी बताए। आज के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं, हालात किस तरह से गुजर रहा है, कोई सोचा भी नहीं था। और मुसलमान को सीधा सीधा कांग्रेस कांग्रेस की सेवा कोई दिखता नहीं, 90% वो हकीकत है, हकीकत है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है उसके अंदर, वो हकीकत है वो कि 90% कांग्रेस को दिखता। मैं मेरी आवाम से कहा जैसे हमारे लीडर भी सतीश साहब भी बैठे हैं, मैं ओपन बनने से कभी डरता नहीं। आज मेरी पहचान करने के लिए है, अब सतीश साहब भी मेरी इज्जत करते हैं, सिद्धरामैया जी भी मेरी इज्जत करते हैं, राहुल गांधी भी मेरी इज्जत करते हैं, हमारा डी के शिवकुमार साहब अध्यक्ष भी मेरी इज्जत करते हैं। वजह क्या है, जमीर अहमद खान की, जमीर अहमद खान एक ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहा, पैसे वाला करके इज्जत नहीं करते। जमीर अहमद खान एक मुसलमान का लीडर, कौम उसके साथ है करके मेरी इज्जत करते। तो मेरी औकात ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, सतीश साहब से तो बड़ा पैसे वाला नहीं मैं, उनके जैसा शुगर पे पीती है मेरे पास। मैं छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट रखता हूँ, अभी ट्रांसपोर्ट जैसा कि हमारे नजीर साहब बता रहे थे, आपकी बसों में उत्पत्ति का धंधा करता था, ट्रांसपोर्टेशन आपके धंधे में करता। सतीश साहब से तो पैसे वाला नहीं, मगर हूँ बगैर पैसे के दिलदार हूँ, दिलेर हूँ, दिलदार हूँ, दिलेर हूँ, मगर आप मेरी भी पहचान। वजह क्या है, आज पॉलिटिकल पार्टी मेरी इज्जत क्यों कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, कौम मेरे पीछे। हाल ही में देखा हूँ मैं जहाँ भी जब मैं टूर करता हूँ, खासकर नौजवान के अंदर मौलाना मेरे बारे में एक जोश है। कल सिद्धरामैया साहब हम हरसिरा गए थे, सिरा से दावणगिरी है, दावणगिरी से हरिया रहे, वो जो मजमा देख के, वो जो मेरे जो चाहने वाले जो नौजवान देख के, कल एक चौधरी के अंदर हमारा रामप्पा करके MLA का जन्मदिन था, एक बहुत बड़ी पैमाने के अंदर एक फंक्शन किया था, बर्थडे फंक्शन किया था। वो फंक्शन के अंदर पब्लिक के अंदर कम से कम एक 10-15 हज़ार पब्लिक थी, 10-15 हज़ार पब्लिक के अंदर 10,000 आदमी मेरे नारे। सिद्धरामैया साहब मेरे को पूछते ईद ऐनो इदो ऐनो मार्बिटे नि समाज के ऐन माटा मंत्र मादिया इष्ट प्रीसा करके कल सिद्धरामैया बोल रहे थे। वजह क्या है, आप भी मेरे ख्याल से अब इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है, ये छोटे से दावतनामा पे अब इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है। वजह मेरे को लगता है मौलाना कहाँ की एक जगह कर्नाटका के, हिंदुस्तान के, कर्नाटका में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को जो चाहत नहीं मिली जो तुम्हें जमीर अहमद खान को जो चाहत दे कोई। वजह क्या है, वजह क्या है, कहीं के बस अल्लाह ने चाहत दिया ये क्या कि जमीर अहमद खान एक उम्मीद रखते हुए जमीर अहमद खान हमारे कौम के वास्ते कुछ करती करको तो मैं उम्मीद रख के जो मुझे चाह रही आज वादा करते हुए जब तक जमीर अहमद खान सियासत के अंदर है तुम्हें लोग सिर उठा कर चलना, सिर झुकाने का काम जिंदगी के अंदर नहीं करता, सिर झुकाने का काम जिंदगी के अंदर नहीं करता। और हाल ही के अंदर मुझे एक मौका मिला था, मैं जहाँ भी जाता था कैनवासिंग प्रचार के अंदर यही बोल रहा था भाई हमारी नीयत कौन जानने वाला, अभी मेरी नीयत में क्या है कौन जानने वाला, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मेरी बात को यकीन मानने रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा ना, अल्लाह तो जानता ना हमारी नीयत साफ है क्या है करके। अगर हमारी नीयत अगर साफ है, कांग्रेस पार्टी की अगर नीयत साफ है, अगर मेरी नीयत अगर साफ है तो 2023 इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को गलबाना मदद होती है, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आती है, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आती है।
सबसे पहले तुम्हारे सतीश आप सब बनती उनको बनने में विश्व पहले रोको बनने को रोकने वाला कोई मैं काम नहीं कोई पैदा भी नहीं हुआ उसके बाद कान की एक जगह लगता माइनॉरिटी कोटे के अंदर तुम्हारी बदल अल्लाह के बाद तुम्हारी बदल की वजह से मैं भी बनता हूँ जब मैं मिनिस्टर बना था डेढ़ साल का बजट पोजिशन गवर्नमेंट में डेढ़ साल का मिला था तुम यकीन मानते कि नहीं मानते जैसा वेणुगोपाल साहब परमेश्वर जब पार्टी प्रेसिडेंट थे मुझे वहां से दिल्ली से फोन करें तुम्हारे राहुल गांधी ने तुम्हारी मिनिस्ट्री क्लियर कर दिए तुम्हारा कौन सा पोर्टफोलियो होना वहां से फोन करें तुम एक ही जगह बात बोले वेणुगोपाल साहब को हमारे परमेश्वर को मुझे कौन सा भी पोर्टफोलियो ना कोसा को तुम्हारी पार्टी डिसाइड कर को जो पार्टी से देती मुझे खुशी है मुझे मुझे पोर्टफोलियो कौम की खिदमत करना मुझे वक्फ का पोर्टफोलियो होना करके मांग को लिया मैं वक्फ का पोर्टफोलियो होना करके मांग के लिया जैसा मिनिस्टर बना मेरे अरमाना बहुत थे मेरे अरमाना बहुत थे डेढ़ साल के अंदर पूरे करने नहीं होता क्यों अभी वक्फ क्यों करता है आदमी अब मौलाना बते थे शायद कौन बते वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में सलीम साहब शायद बते थे आज वक्फ क्यों करता है उनके माँ बाप उनके रिश्तेदार भी होते हैं बाप की तरफ के रिश्तेदार होते हैं माँ की तरफ के रिश्तेदार होते हैं उनके कौन भी रिश्तेदार होते हुए बावजूद भी वक्फ क्यों करता है इससे हमारे कौम को फायदा पहुँचना ये नहीं कि कोई लेके तुम खाली रख के छोड़ के कोई कब्जा करके मजा करो करके है ना कौम को फायदा होना करके तो वो देख के मेरे पीरियड के अंदर डेढ़ साल के अंदर जो यकीन नहीं मानते बेलगाम की जो 4,500 जो एकड़ जो हमारे हाथ में पोजीशन मिल था ना वो पोजीशन में नहीं लिया 4,500 एकड़ पोजीशन मिले वो कोर्ट क्या थी तुम ना लोगों को मालूम ही नहीं मालूम नहीं 4,500 एकड़ बेंगलोर सिटी के अंदर मैं कॉन्सेप्ट करको तुम यकीन नहीं मानते रहेगा बेंगलोर सिटी के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टियां ही अगर बरोबर हमें यूटिलाइज करेंगे तो आज हमें गवर्नमेंट को लेने की जरूरत नहीं है जो वकपोर्ट की जो प्रॉपर्टी थी पूरे स्टेट के अंदर बेंगलोर सिटी मिला आपको अगर तुम्हें बरोबर उसे यूटिलाइज करें तो हमें गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है आज क्या है हमारे वो देखते हुए मैं क्या करें हमारे जितने बेंगलोर सिटी के हार्ट सिटी के अंदर ही 60 करोड़ लोग खाते लेको पोजिशन लिया हमें पोजिशन लेको क्या क्या जद्दोजहद करा कोशिश करा इतने में गवर्नमेंट चलेगी यानी मैं बोलने का मतलब क्या है दिला कौन जाने वाला नियत कौन देखने वाला अल्लाह अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारी कौम की भलाई करना अगर को हमारे लीडर में अगर रहा अगर हमारे में कौम की खिदमत करना अगर रहा 16वीं सदी कांग्रेस हुकूमत आती अगर कांग्रेस हुकूमत के अंदर दोबारा मंजे क्या तो भी एक मौका मिला तो अल्लाह अल्लाह चाहा तो अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आज की तारीख तुम्हें लिखो रखना वो 5 साल ऐसे कारनामे मैं करके दिखाता हूँ गिनीस रिकॉर्ड में नाम लिया मेरा नाम सजीरा बच्चा और ये देखते हुए आवाम से ये गांधी का नाम दर्ज करते हुए आज माहौल ए छोड़ो भाई जय कार नको करो रे घामा करो रे सुनो आज देखेगा हाल ही के अंदर माहौल कैसे चल रहा है माहौल किस तरीके तकलीफ से हम लोग गुजरे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये सब अल्लाह की एक आजमाइश है कभी भी सबर का फल मीठा आने वाले दिन के अंदर अच्छे दिन आएंगे करके मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे भी आजीदा गुजारिश करता हूँ आपस के ना इत्तेफाकी छोड़ दो एक हो मैं हटने मर रहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ मैं आज हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ ना मैं मगर मैं अभी आवाम के अंदर मैं क्या बोलता हूँ एक पूरे स्टेट के अंदर उलमा इकराम मौसूद बन रहा मैं हमारे उलमा इकराम से भी बात करा भाई तुम्हें लीडरों को छोड़ दो 4-5 लीडर रहते हैं 4-5 लीडर को लेना देना क्या है तुम्हें एक उलमा इकराम बैठ के एक तय करके एक डिसीजन लो ये बार 16वीं सदी कांग्रेस को करना 2023 में करके डिसीजन लो एक जमीन से तुम्हें लेना देना क्या है एक जमीन आके कोई फॉर्म चला नहीं सकता जमीन का चेहरा नहीं देखो उलमा इकराम एक पूरे डिसाइड कर को पूरे एक डिसाइड करके 2023 के अंदर हमें कांग्रेस को करना करके कांग्रेस वाले को बोलना ये बार डिसाइड करको 100% हमें तुम्हारा कांग्रेस वाले को कर रही अगर हमारे मसले मसाइल तुम्हें पूरे नहीं करे अगली बार हमें सोचना पड़ता करको अगर वो 23 से लेकर 28 तक अगर कांग्रेस हमारे मसले मसाइल हल नहीं करे कांग्रेस पार्टी को छोड़ो दूसरी पार्टी कोई पार्टी से लेना देना नहीं है ना हम ना कौम को जो फायदा होता उससे वो करना करो तुम्हारे उलमा इकराम से भी मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ आज का माहौल खराब है उससे एक मौका था भाई इतने साल 70 साल दिए इस बार भी हम देते एक वोट जाया होने देते नहीं मगर बहरहाल ये शर्त है कि हमारे ये कंडीशन है ये कंडीशन तुम्हारी गवर्नमेंट आई तो फुलफिल करना अगर वो नहीं करे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर 2028 के अंदर जनता दल को सपोर्ट करो है कि नहीं तो ये करना करके मैं उलमा इकराम से गुजारिश करते हुए ज्यादा न वक्त लेते हुए ये खाने का भी वक्त हो गया आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आज ये प्रोग्राम का मकसद क्या है घर को जो हमारे चाहते जो लीडर है सिद्धरामैया जी का
जन्मदिन का प्रोग्राम, जन्मदिन मतलब 75 साल का उनका जन्मदिन, आज उनका 75 को 75 में एंट्री मार रही, यानी 50 साल उनकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, उनकी 50 साल के अंदर पॉलिटिकल के अंदर कभी मौलाना उन्हों कभी उनका जन्मदिन सतीश साहब तो बहुत खास मेरे से ज्यादा जनता दल से भी उन्होंने साथ में एक भाया भाया सरकार उन्होंने दो दिन सिद्धरामैया उन्होंने दोनों साथ में ही सौ मई जब सिद्धरामैया जब जनता दल में थे उनका शाम का बुंगूस का हिस्सा मेरा उनका अपने कुमार स्वामी की पार्टी कुमार स्वामी सिद्धरामैया सबका मैं जनता नहीं था हकीकत हो जब इन्होंने साथ में रहती सो उन्होंने कभी जन्मदिन बने सो नहीं है कौन सिद्धरामैया साहब ये उनके जो फॉलोअर्स ही जो चाहने वाले ही उनको प्रेशर करको नहीं साहब तुम इतने साल से जन्मदिन ही बने ये 75 साल का जन्मदिन हमने एक मौका दो बड़े पैमाने में बनाना करको उनके फॉलोअर्स फोर्स करको ये फंक्शन करें तो हमारा भी फर्ज बनता ना मैं क्या करें पूरा स्टेट टूर करको ज्यादा तादाद में मुसलमान आना मुसलमान के साबित करना मुसलमान को कोई फेवर करया मुसलमान के काम करया मुसलमान के ऊपर चाहत रखा मुसलमान कभी जिंदगी के अंदर भूलते नहीं करको वो साबित करने के वास्ते मई जरे दिन चंद जगह टूर करको कई के वास्ते सिद्धरामैया के हमारे चंद ऐसा नहीं कई के वास्ते तुम एक्सप्लेन कर दो तुम लोगों को मालूम भी होता जब सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर जब चीफ मिनिस्टर बने उसके पहले बहुत से चीफ मिनिस्टर आए बहुत से चीफ मिनिस्टर आ गए कोई भी माइनॉरिटी के बारे में कोई सोचा नहीं था 280 करोड़ रुपए ग्रांट था सो कितना ग्रांट था सो 280 करोड़ ग्रांट को लेको 3150 करोड़ ग्रांट करे कोई महिला लाल नहीं का कितना 3150 जैसे कि शादी भाग्या भी उसने करता मेडिकल में जो MBBS करती स्टूडेंट ना नीट स्टूडेंट्स आती उनको क्या रहती है 5 साल फीट फ्री मिलती सीट मेडिकल को डॉक्टर बनने के वास्ते फ्री मिलती अब उसे क्या है उसे 5 लाख रुपए सालाना फीस बनना अब सालाना फीस बनने नहीं के वास्ते बहुत से जने क्या करती मजबूर क्या करती बैकआउट हो जाते छोड़ देते वो ड्रॉप आउट हो जाते थे नहीं हमारे पास 5 लाख बनने की तो 5 साल का तो 25 लाख रुपए बनना पड़ता होना 5 साल 25 लाख रुपए बनना पड़ता बैकआउट हो जाए बैकआउट होकर नहीं पढ़ाते थे सिद्धरामैया क्या करे एक स्कीम रखो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से क्या करे 5 लाख में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 3 लाख बनना रखो वो 3 लाख रुपए MBBS की सीट को बन जाते आज बीजेपी वाले ओबी निकाल लिए जैसे कि ऑटो ड्राइवर खाली ऑटो ड्राइवर बनकोश नहीं रहना ऑटो ड्राइवर कौन भी ड्राइवर अंदे एक ड्राइवर बनको रहना अब जो गुड्स गाड़ियां चलाती हैं उन्हें ड्राइवर का ड्राइवर भी नहीं होना उन्हें ओनर ओनर बनना उन्हें उसकी खुद की गाड़ी होना सबको एक KMDC में स्कीम निकाल कर मेरे पेट के अंदर 50,000 रुपये उन्हें इंशोर पेमेंट करा कर तो 4 लाख रुपये गवर्नमेंट से सब्सिडी 3 लाख रुपये लोन लगो उनको ओनर बना को गाड़ियां बना को दिया मैंने बहुत से ऐसी स्कीम आती सिद्धरामैया साहब स्कॉलरशिप ले लो तुम्हें और खास कर लो जो 5 साल जो गटको मुसलमान के वास्ते जो करे थे ना मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री वैसा ओपन आपको ठहरा नहीं गया दो मसले पर ना एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि BJP वाले की गवर्नमेंट थी बैला काटना बंद करो बरबर ना तो सिद्धरामैया साहब क्या करे ओपन स्टेटमेंट देते किसी हालत के अंदर एक स्टेटमेंट बहुत CMO को खाया तो क्या बुरा है मैं सब से खा दू कौन क्या कर लेती वो एक प्लस हजरत टीपू सुल्तान की जयंती बनाना कौन उस करे BJP वाले उसके खिलाफ हिच करे तो इन्हें हर टाइम 5 साल के अंदर क्या बोलने का देते हो ना ये बात नहीं अगली साल और उससे अच्छा जयंती कर तो कौन क्या कर लेती कर लोगों को ओपन चैलेंज कर लेके कर ले गए मगर उनके चंद हमारे कौम के ऊपर हिस्सा नहीं हमें उनको साबित करना दूसरे भी देखते हो क्या भाई सिद्धरामैया के फंक्शन के अंदर उनकी ज्यादा से ज्यादा मुसलमान समाज ज्यादा है तो मुसलमान कितने वफादार हैं खाली सिद्धरामैया 5 साल उनको अच्छा प्रोग्राम देने की वजह से उनको चाहत में रखने की वजह से आज इतनी तादाद में मुसलमान आएगा तो एक मुसलमान की एक शान होती होती कि नहीं होती होती कि नहीं होती तो मेरे भाइयों से एक आज ही जाना गुजारी उन्होंने अभी बर्थडे करना तो बनी अब सतीश साहब की भी किस्सत बेलगाम में मेरे ख्याल से मुसलमान मेरे से भी ज्यादा तुम्हें लोग सतीश साहब को चाहते आएंगे मुसलमान देखा सतीश साहब ओपन स्टेटमेंट दिया कि भी आप उन्हें दूसरे कौन के CM आ रही यारों बेरो CM आता रहे इन नम जिले और सतीश साहब CM आते बेतर आ सुलभा इला साहब आ मन से गैस को दीरा नम समाज ननकिंद हेचा कि निम समाज निम जोते जाए चाहत हो हमें कैसा चलते वैसा ना हमें कैसा चलती उसके ऊपर डिपेंड तो मेरे खास कर नौजवान से काजी जाना गुजारी 3 तारीख को दावेगिरी है से नजदीक उसके वास्ते भी कॉन्सेप्ट करो सर
दावणगिरे, हुबली, धारवाड़, हावेरी, चित्रदुर्ग, दावणगिरे, मैं वहां जितने भी कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी कर लो, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, हमें काम काम की जाया करते पैसे खर्च करते हमें, ये बार क्या किया, कौम के फायदा समझना, क्योंकि तो एक मैसेज देना हमें, क्योंकि तो 5 साल जो सिकना में जो हमारी कौम को जो देखो ही उसके बदले में देना नहीं देना हमें, दिखाना कि नहीं दिखाना हमें, मुसलमान के इंसान दिखाना नहीं दिखाना बोलना। तो मेरी आवाम से आगाजाना गुजारी, मेहरबानी कर को वो 3 तारीख को 11 बजे 11:30 बजे फंक्शन है, सुबह को तुम्हें ऐसे 8-9 बजे भी नाश्ता करने को निकले तो भी ये घड़ी घंटे में पहुंच जाते, क्या भी नहीं 200 किलोमीटर ऐसे 3 घंटा 3 घंटा 8 बजे भी निकले तो तुम्हें 3 घंटा पहुंचते, बड़ी तादाद में तुम्हें आना करके गुजारिश करते हुए दोबारा में वक्त ना होने की वजह से ज्यादा नहीं बात करता, तुमने वादा करो नौजवानों को वादा करो मेरे वजह से तुम्हें कभी भी सिर उठा को चलना सिर झुकाने का काम नहीं करता, इन्हों डरा रही। अब जैसा कि मौलाना खुल के बोले मुझे जमीर अहमद खान को ये डिरेक्ट कर रही, जमीर अहमद खान को ये कर रही, जमीर अहमद खान को वो कर रही, मुद्दे बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा चाहता है, जमीर डरने वाले में से नहीं है। उनके बाप के किराने मेरे बाप के कमाए मालूम क्या करने जानने वाले में से नहीं है, एक आजमाइश करें थे उनकी उनकी कोशिश यानी हर जगह उनकी कोशिश करी, जहां जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जो स्टेट के अंदर जैसा तुम्हें देख लेगा आजम खान करो, आजम खान जो ही एक नामचीन आदमी हो पूरे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अरबोपति करबोपति, आज उनके पूरे यूनिवर्सिटी का गलत दल को आज उनको जेल में दल को अभी 2 साल के बाद शायद उन्होंने रिलीज हो गया, वो भी धंधे वो छोड़ को आप क्या करिए, सोनिया गांधी को भी छोड़ रही नहीं, राहुल गांधी को भी छोड़ रही नहीं, अब उनका क्या है, तुम्हारे बड़े लीडरों को भी छोड़ दो, सतीश साहब क्या जमीर क्या सिद्धरामैया क्या करो उनको दिखाने के वास्ते यानी कर रही, यानी वो हिटलर का हर एक का एक वक्त आता इनका वक्त चल रहा चले दे, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, सबर का पर कभी भी मीठा होता, इन्होंने जितना तकलीफ चली वक्ता उनका बुरा होता, वक्ता उनका बुरा होता, देखने वाला ऊपर वाला है ना इतना बुरा होता करके कहते हुए तमाम से काशी जाना गुजारी, आते के भाई सोले तो आते के बच्चे जने पक्का बोलना वादा करना पक्का, आधा नहीं उठने दो नहीं आ रही और आधा नहीं उठने सो नहीं आ रही करको, अच्छा माचा ये कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए जब जब तुम्हें मेरे हक में क्या होगा जहरिया के ऊपर क्या है एक बार दे दो समझ ना मैं हरियत में क्या है दुआ आपसे आखिर में एक दुआ की दरख्वास्त वजह इसकी क्या है हरियत के ऊपर क्या है मेरे ऊपर नजर क्या बाता चलता है क्या क्या की नगर बन जाता गिड्डा आकर का हरियत के ऊपर नजर नजर से पत्थर भी पिघल जाता तो आखिरी में तुम्हारा दुआ की दरख्वास्त कब तक तुम्हें नमाज पढ़ती मेरे हक में ये दौलत नहीं मांगना समीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना समीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती देकर को दुआ नहीं मांगना समीर अहमद खान को MLA बनाकर को दुआ नहीं करना समीर अहमद खान को मिनिस्टर बनाकर को दुआ नहीं करना हमारा बच्चा समीर अहमद खान जब तक जिंदा रहता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा देगा तो अल्लाह की दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ दोबारा मंसूर की तमाम हमारे महीना की टीम की दिल की गहराई से शुक्रिया ये ऐसा याद रहता मुझे।